हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वाउचर्स। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में हम जानेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के वाउचर्स होते हैं और उनका एक एक डेमो देखेंगे। तो चलिए बिना वेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि वाउचर का मतलब क्या होता है। वाउचर का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर यूजली एविडेंस्ड बाई एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। सबसे पहली बात, जो वाउचर होता है उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। दूसरी बात, वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका एक एविडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को उसके लिए कैश मेमो में उसका जो पेमेंट मैंने किया उसका एक पर्ची तो बनाना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं बनाया तो इन फ्यूचर क्या होगा कि मेरे को वो चीज़ याद नहीं रहेगी, पहले बात। दूसरी बात, उसमें हो सकता है फ्रॉड हो, मैंने खुद ही पैसे रख लिए हो, तो या फिर ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है। इसीलिए एविडेंस होना हर ट्रांजेक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब इस एविडेंस को हम बनाते हैं किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं वाउचर। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है, एक रिसिप्ट टाइप का होता है जो सारे ट्रांजेक्शन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स बिल में अपन सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, परचेस बिल अपने लिए परचेस रिकॉर्ड करने के काम आता है। उसके अलावा यहाँ पर सैलरी स्लिप है जो सैलरी देने के काम आता है, चेक है जो हम बैंक में देते हैं या किसी पार्टी को देते हैं, कैश मेमो में हम कैश की एंट्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज जो है ये वाउचर्स के अंदर आती है। वाउचर्स यानी कि सिंपल एक एविडेंस देता हुआ डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि वाउचर का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको एविडेंस दे रहा हो कि ट्रांजेक्शन ओरिजिनली हुआ है, कोई फेक ट्रांजेक्शन नहीं है। दूसरी बात, वाउचर्स के जो फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, जो भी वाउचर होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अगर आप कोई इनवॉइस बना रहे हो तो इनवॉइस का नंबर रहता है 1 2 3 4, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। अगर आप कैश मेमो बना रहे हो तो उसमें भी 1 2 3 4, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है ये आपका 31 मार्च को चेंज हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के साथ। हर फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग ऑर्डर होता है और हर फाइनेंशियल ईयर का अलग नंबर्स होता है। इसके बाद जो सीरियली नंबर्ड होता है वो तो अभी अपने बात की, सीरियली नंबर्ड होता है। साथ साथ यहाँ पर एक सेपरेट फाइल होती है। अगर आप इनवॉइस बना रहे हो तो इनवॉइस की सेपरेट फाइल होगी, अगर आप परचेस बिल ले रहे हो तो परचेस की सेपरेट फाइल होगी। तो हर फाइल सेपरेट होती है। इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन को ढूंढना है, हमें पता करना है कि भाई ये यूनिट डिफेक्टिव आया है, हमने किससे खरीदा था, तो आप क्या करोगे, फिर तुरंत परचेस फाइल में जाकर देखोगे। अगर आप सबको मर्ज करके रखोगे तो आपको वो परचेस बिल ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप परचेस फाइल में रखोगे तो आप उसको परचेस डेट के हिसाब से जल्दी ढूंढ सकते हो। ये फायदा होता है वाउचर्स मेंटेन करने का। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सैंपल दिखाता हूँ कि वाउचर कैसा दिखता है। ये देखिए, ऐसा होता है ट्रांजेक्शन वाउचर जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म लिखा होता है, उसके बाद वाउचर का नंबर क्या है, कौन सी डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन से अकाउंट को हमने डेबिट किया, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट किसको करना है। ये आपको अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज लिखना है कि डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, उसके अमाउंट क्या है, और साथ ही साथ नरेशन लिखना है। ऑथराइज किसने किया, अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एम्प्लॉयज है तो किसने क्या ट्रांजेक्शन किया ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ऑथराइज बाय में जिसका सिग्नेचर होगा वो पता चलेगा। अब प्रिपेयर्ड बाय यानी कि जो इस वाउचर को प्रिपेयर करना है उसका सिग्नेचर होगा। इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन वाउचर। अ ट्रांजेक्शन विथ वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज ए सिंपल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर। सिंपल है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसका एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट, तो वो सिंपल ट्रांजेक्शन होता है, और उस ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर बनाया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन वाउचर। इसके बाद आते हैं कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर के नाम से पता चल रहा है कंपाउंड, यानी कि इसमें एक से ज्यादा एंट्री मर्ज होगी, या तो दो डेबिट होंगे एक क्रेडिट होगा,
या फिर दो डेबिट दो क्रेडिट, या फिर एक डेबिट दो क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक से ज्यादा होता है तो वो आता है कंपाउंड वाउचर में। वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन दैट एंटर्स मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट एंड वन डेबिट क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। सिंपल था, मैंने आपको बताया वैसे ही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद आता है डेबिट वाउचर। क्या होता है? इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जो भी अकाउंट डेबिट होगा, जो भी कस्टमर डेबिट होगा, उसके लिए ये वाउचर बनेगा। देखिए, डेबिट वाउचर बना हुआ जिसमें नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर, क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया है, अमाउंट कितना है, और इसमें यहाँ पर देखो एक नीचे कॉलम बना है डेबिट अकाउंट्स, इसमें कोड नंबर, अकाउंट नेम, अमाउंट और नरेशन। ठीक है, अब देखो डेबिट अकाउंट्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कैश दिया तो क्रेडिट में आ जाएगा कैश। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्रेडिट अकाउंट में अगर मैंने किसी को कैश दिया तो यहाँ पर आ जाएगा कैश। जिस जिस अकाउंट को मैंने डेबिट किया उन सब अकाउंट्स का नाम इसी में आ जाएगा। तो एक डेबिट वाउचर से बहुत सारी एंट्रीज एक बार में कवर हो सकती है। इसके बाद आते हैं इसका उल्टा, ठीक, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या होगा? सेम उसका उल्टा होगा। अगर मैंने कैश को लिया तो कैश डेबिट किया, किससे किससे लिया, उन सारी अकाउंट्स को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। ये होता है क्रेडिट वाउचर। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स वाउचर और जर्नल वाउचर। ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड दियर अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर। एक और था, देखो अब मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है इसमें दो डेबिट दो क्रेडिट है, दो डेबिट दो क्रेडिट है, तो वो कॉम्प्लेक्स वाउचर या फिर जर्नल वाउचर। लेकिन अगर दो डेबिट है एक क्रेडिट है, या एक डेबिट है दो क्रेडिट है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड वाउचर, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है जर्नल वाउचर। उसका जो डेमो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैसा होता है उसका डेमो। इसके बाद आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचर। जो भी वाउचर हम बनाते हैं उसमें कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहला, गुड क्वालिटी पेपर में लिखा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गंदा सा पेपर ले लिया उसमें लिख कर दे दिया तो वो इन फ्यूचर रेफरेंस में काम नहीं आएगा, वो तब तक खराब हो जाएगा। दूसरा, नेम ऑफ द फर्म, हमने देखा सारे वाउचर्स में नेम ऑफ द फर्म लिखा हुआ रहता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ रहता है, द नंबर ऑफ द वाउचर इज सीरियली ऑर्डर्ड, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट इज मेंशन, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन फिगर्स अगेंस्ट अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन टू बी गिवन अकाउंट वाइज, डिस्क्रिप्शन यानी कि नरेशन, द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलॉन्ग विद द सिग्नेचर एंड द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन आर मेंशन्ड ऑन द वाउचर। तो हमने सारी चीजें जो वाउचर में देखी वो यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स में लिखी हुई है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, और ऐसे ही आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोस बनाऊंगा कि डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री कैसे इजिली आइडेंटिफाई करें, कैसे एंट्रीज को बहुत ही ईजी वे में करें, तो उन सारे चीजों के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए वो सारे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।